counting number which is divisible by either 3 or 5s. Means again we are writing some tables from up to n. Means is case mein display kab tak karna up to n, and n means any number which is greater than 1. This case of possible series ke over like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, up to any value n. Sabse pehle is case mein identify karenge our expected output for a given value n. Is expected output means number kya display karna, either multiple of 3 or multiple of 5, both. Means multiple of 3 means first one 1. 1 simply discard ho because 1 na hi 3 ka multiple hai aur na hi 5 ka multiple hai. Next time kya display karayenge, 2. Check karayenge 2 ke liye. 2 bhi agar baat kare 2 na hi 3 ka multiple hai aur na hi 5 ka multiple hai. Simply leave it. Next one 3. 3 3 ka multiple hai. इसलिए 3 इंक्लूड होगा, इस 3 लिस्ट में डिस्प्ले होगा. नेक्स्ट टाइम 4, 4 9 3 का मल्टीपल है 9 5 का मल्टीपल, लीव इट. 5 5 का मल्टीपल है इसलिए 5 आउटपुट में इंक्लूड करना, इसलिए क्या डिस्प्ले होगा 3 के बाद नेक्स्ट वन 5. नेक्स्ट टाइम 6, 6 को अगर टेस्ट करें 3 6 या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए 5 का, लेकिन 6 भी 3 का मल्टीपल है इसलिए 6 को इंक्लूड करें बिकॉज इट इज मल्टीपल ऑफ 3. मींस टेस्ट केस के लिए करना आइदर डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 5. Divisible or multiple means same meanings. Next one 6 के बाद test case के लिए करते हैं 7 के लिए. तो 7 9 3 से divide होता है, 9 5 से divide होता है, इसलिए 7 को discard कर देंगे. Next one 8. 8 को test case से करेंगे, 3 के लिए भी test करेंगे, 5 means 8 9 3 से divide होता है, 9 5 से divide होता है, simply leave it. 9 9 को 3 से divide करेंगे, 5 से divide करेंगे, लेकिन ये divide किससे हो रहा है, 3 से, इसलिए 9 list में include होगा. 9 का next number क्या है, 10. 10 के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, 10 को भी 3 से भी डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 10 को 5 से डिवाइड करना पॉसिबल, इसलिए 10 को इंक्लूड करेंगे. 10 भी इंक्लूड हुआ है प्लस 9 भी इंक्लूड हुआ है, क्या आएगा 10. नेक्स्ट टाइम 11 के रिस्पेक्ट में चेक करें, 11 3 से भी डिवाइड करेंगे एंड 5 से भी डिवाइड करेंगे, 11 9 3 से डिवाइड होता है, 9 5 से डिवाइड होता है, सिंपली लीव इट. देन नेक्स्ट वन क्या चेक करेंगे, 12. 12 के केस में 12 वो 3 से भी चेक करेंगे, 5 से भी, इसे 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 5 से चेक करने नीड ही नहीं इस केस में, means list में include करेंगे. 12 then same as 13. 13 9 3 से divide हो रहा है, 9 5 से divide हो रहा है, leave it. 14 14 9 3 से divide हो रहा है, 9 5 से divide हो रहा है, leave it. 15 15 3 से भी divide हो रहा है, हो सकता है कुछ केस में number 3 से भी divide हो 5 से divide हो, लेकिन जब 3 से divide हो रहा है तो 5 से test करने need ही नहीं होगी, means include it. क्या आएगा 15. इस टाइप से check कब तक करना, up to given range n. इस केस में सबसे पहले इन नेचुरल नंबर्स के लिए लूप प्रिपेयर करेंगे. लूप के केस में वैल्यू जनरेट किससे कराएंगे, आई से, बाय यूजिंग आई. मींस अब इन नंबर्स के लिए कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना, तो ये ऑपरेशन अप्लाई किसके लिए कराओगे, रिस्पेक्ट टू वेरिएबल आई. रिस्पेक्ट टू आई मींस आई मींस मे बी 1 मे बी 2 मे बी 3 मे बी 4 अप टू एनी वैल्यू ऑफ लेस देन इक्वल्स टू n. नेक्स्ट इस केस में आई को डिवाइड किससे कराना, 3 से भी डिवाइड करके चेक करना, 4 से भी डिवाइड, सॉरी 3 और 5. 3 के लिए चेक करना, चेक द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3 और नॉट. तो इसके लिए कंडीशन क्या रहेगा, अगर नंबर 3 से डिवाइड करने पर अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है, यानी नंबर कैसा है, मल्टीपल ऑफ डिविजिबल बाय 3. सेम एज 5 के लिए टेस्ट करना, देन कंडीशन क्या जाएगा, आई मॉड्यूलो बाय 5 इक्वल इक्वल्स टू 0. मींस अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है, देन नंबर कैसा, मल्टीपल ऑफ 5 और डिविजिबल बाय 5. नेक्स्ट वन इसके साथ कंडीशन क्या है, मीन्स 3 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए और ओनली एनी वन, मीन्स मे बी बोथ और मे बी एनी वन. जैसे इस केस में 9 केवल 3 से डिवाइड हो रहा था, लेकिन 12 केवल 3 से डिवाइड हो रहा है, 10 केवल 5 से डिवाइड हो रहा है, जबकि 15 3 से भी डिवाइड हुआ था, 5 से डिवाइड हुआ, मीन्स नंबर ओनली 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, और दोनों ही नंबर से डिवाइड होना पॉसिबल. इस केस में इनको कंबाइंड कैसे करेंगे, अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन है, देन इसको मर्ज करने के लिए ऑलवेज यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स. अगर एनी वन कंडीशन रिक्वायर्ड मींस अगर सिंगल कंडीशन सफिशियंट है, देन मर्ज करेंगे बाय यूजिंग और ऑपरेटर. अदरवाइज अगर दोनों ही कंडीशन मैंडेटरी है, देन यूज क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर. फाइनल इस केस में लूप कहां तक चलाना है, 1 से लेकर n तक. n का वैल्यू सबसे पहले कीबोर्ड से रीड कराएंगे, void main required variables integer
आई मैक्सिमम रेंज मेंटेन बाय यूजिंग एन पुट्स एंटर रेंज मीन्स मिनिमम रेंज फिक्स्ड है क्या वन अप टू एन इसलिए यूज क्या करें एंटर वैल्यू ऑफ एन स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट ऑफ एन नेक्स्ट में फाइनली इसके इसमें अप्लाई किया अगर हम इस लूप चलाना है लूप कहाँ से कहाँ तक मैनेज करना है फ्रॉम वन टू एन लूप के केस में इनिशियल वैल्यू क्या है आई इक्वल्स टू वन कंडीशन मीन्स कब तक चलाना है अप टू एन दिस इज द मैक्सिमम रेंज आई लेस देन इक्वल्स टू एन नेक्स्ट वन कंडीशन एवरी टाइम डिफरेंस कितने का मैनेज हो रहा है सीरीज में वन का इसलिए यूज क्या करेंगे आई प्लस प्लस नेक्स्ट वन और इस केस में आई के सारे वैल्यू डिस्प्ले न करा के डिस्प्ले क्या कराना है मीन्स आई के केस में केवल वही वैल्यू डिस्प्ले कराना जो या तो थ्री से डिवाइड हो रहे हैं या तो थ्री के मल्टीपल हैं या फिर फाइव के मल्टीपल हैं तो इस केस में डायरेक्टली वैल्यू डिस्प्ले न करा के आपको अप्लाई क्या करना है इफ कंडीशन कंडीशन क्या है दैट वन तो इस केस में अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है देन ओनली आई को डिस्प्ले कराएं अदरवाइज सिंपली लीव इट कंडीशन क्या है इफ वैल्यू ऑफ आई इज मल्टीपल ऑफ थ्री और मल्टीपल ऑफ फाइव अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है देन डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ देन डिस्प्ले वैल्यू ऑफ आई अदरवाइज सिंपली लीव इट मीन्स अदरवाइज आपको कोई भी एक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है सिंपली लीव इट इस तरह से लूप मैनेज होगा लूप से जनरेट किया होंगे रेंज ऑफ दैट वैल्यूज जो भी वैल्यू जनरेट होंगे इसके इसमें सारे वैल्यू डिस्प्ले होंगे वैल्यू डिस्प्ले किसके बेस पर होना बेस्ड ऑन कंडीशंस मीन्स इस प्रोग्राम को मैंने राइट डाउन कर लिया अगर आपको टेस्ट करना है इटरेट करना है कीबोर्ड से इसके लिए कुछ मीन्स एन का वैल्यू एंटर कर लेना समथिंग 20 इसके इसमें लूप कहाँ से ले 1 टू 20 मीन्स जितने भी वैल्यू मीन्स आई के वैल्यू जनरेट होंगे एवरी टाइम 3 से भी डिवाइड करके चेक करो 5 से अगर 3 से डिवाइड हो रहा है 5 से चेक करने नहीं है सिंपली डिस्प्ले क्या कर रहा हो वैल्यू ऑफ आई अदरवाइज टेस्ट क्या करेंगे सेकेंड कंडीशन सेकेंड भी फॉल्स है देन आई प्लस प्लस अगेन इटरेटिंग दैट लूप इस तरह से मैनेज करना पॉसिबल सपोज दैट अगर इसके इसमें पूछा था चेक द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ थ्री एज वेल एज मीन्स एंड फाइव इसका मीनिंग क्या हुआ दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए मीन्स नंबर थ्री का भी मल्टीपल होना चाहिए एंड फाइव का भी मल्टीपल होना चाहिए देन इस केस में लॉजिकल और के प्लेस पर रिप्लेस क्या कराएंगे लॉजिकल एंड दूसरा पॉसिबल केस क्या अगर कोई भी नंबर थ्री एंड फाइव दोनों का अगर मल्टीपल है देन नंबर 100% 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 15 मीन्स सेम नंबर 15 का भी 100% मल्टीपल होगा तो इस केस में अदर कंडीशन क्या यूज कर सकते हो इसके प्लेस फर्स्ट इफ कंडीशन के प्लेस पर क्या यूज कर सकते हो मीन्स इंडिविजुअली 3 एंड 5 दोनों के लिए टेस्ट नहीं करके आप डायरेक्टली किस लिए टेस्ट कर सकते हो मल्टीप्लाई ऑफ 3 एंड 5 मीन्स 15 मीन्स इस केस में अदर कंडीशन क्या यूज कर सकते हैं इफ वैल्यू ऑफ आई मॉड्यूलो बाई 15 इक्वल्स टू 0 इसके इसमें इंडिविजुअली 3 और 5 से टेस्ट करने नहीं डायरेक्टली टेस्ट कैसे करें मल्टीप्लाई ऑफ 3 एंड 5 इस दोनों ही कंडीशंस का मीनिंग एग्जैक्टली सेम रहेगा मीन्स बेस्ट वे क्या रहेगा दैट वन